हे अल्टीमेट हीरोज, एक दो तीन नहीं पूरे 8 साल बाद कुंफू पांडा की फिल्म आया है। आयो ब्रो, दिल खुश कर दी। इस फ्रेंचाइज का 4th इंस्टॉलमेंट जस्ट वाओ। ऐसे कुंफू पांडा फैन मुझे ये मूवी बढ़िया लगी, बट कुछ कमियां भी था। ऑब्वियसली इस वीडियो में कुंफू पांडा 4 को लेके स्पॉइलर होगा, तो ध्यान से चलना। अगर अभी तक मूवी नहीं देखे हो तो जाके देखो यार, तुम मिस नहीं कर सकता। रूप बदलते छिपकली ना बनते हुए लेट्स टॉक अबाउट पोको। अभी स्पिरिचुअल लीडर बनना है, वैली ऑफ पीस का यानी सॉर्ट ऑफ ग्रैंड मास्टर ऑकवे की पोजीशन लेना, तो ड्रैगन वॉरियर का टाइटल किसी को तो देना ही है। इसी कारण वो नया ड्रैगन वॉरियर को ढूंढने जाएगा, जिसके बाद जेन नाम की एक चोरनी से मुलाकात होगी और छोकनी नया ड्रैगन वॉरियर। अदर साइड कैमेलियन जो कि ना एक शिफ्टर है, उसे चाइना को कंकर करना है। इसी कारण जितने भी मास्टर विलेन है उनका कुंफू लेने वाला है। डेट इज रीजन अभी तक जितने विलेन अपीयर हुआ है उन सबका केमियो देखने मिलेगा। वो उसको डिफीट कर पाता है या नहीं, इन्हीं चीज के ऊपर इस जर्नी को फोकस किया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसके स्टोरी से। वो काफी बार कॉन्फ्रंट हुआ है डाउट्स एंड इनसिक्योरिटी जैसा चीज से। ये जर्नी ऑडियंस को इमरेसिंग करता है फिलोसॉफिकल एंड एक्सेसिबिलिटी के साथ ही। वो किया सच में और ड्रैगन वॉरियर नहीं बनना चाहता। हाउएवर मूवी में काफी ज्यादा फनिस्ट सीन है। मूवी कुछ मामलों में फैंस के दिल तोड़ देता है, लाइक ए फ्यूरियस 5 छोटा सा सीन में है। काई को इनको डालने का मूड नहीं था क्या? था नहीं तो डाला ही क्यों? रियली मिस्ड टाइगर, वाइपर, कैरेन, मंकी एंड मेंटिस, इनकी प्रेजेंस को भी नहीं दिखाया मूवी की, जो एक बड़ा डाउनफॉल है। व्हाट ए फकिंग थिंग ब्रो। ऑल्सो ए मूवी सोशल मैसेज को भी डिलीवर करते सक्षम है, जैसे नॉट ओनली फ्रेंडशिप एंड यूनिटी जैसा टॉपिक को एक्सप्लोर किया है, बल्कि इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, साथ ही जो है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। इन सब चीज को बहुत बढ़िया हाईलाइट किया है। विजुअल तो गॉर्जियस ही, जिसके बारे में आगे बात किया हूँ। म्यूजिक स्कोर के बारे में बात ही क्या करना। कुछ ऐसे मोमेंट आता है जिसका साथ बैकग्राउंड म्यूजिक उस सीन को जान फूकने की काम करती है। एनिमेशन कैमिलियन के कैरेक्टराइजेशन को सिग्निफिकेंट योगदान दिया है, स्पेशली इसकी जो ट्रांसफॉर्म दिखा है माइंड ब्लोइंग था। पॉइंट टू नोटेड, ये सीन इंटेंस से भरी हुई थी, शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ यार, जस्ट देखना। जैसे हर कहानी में हीरोज का स्ट्रगल होता है, उसका मोटो होता है दुनिया को बचाना, सेम एक विलेन को भी प्रॉपर मोटो प्रॉपर बैक स्टोरी मिलना चाहिए। वो क्यों आज दुनिया को मिटाना चाहता है, इसका पीछे का मकसद क्या है, इन्हीं सब को नहीं भूलते हुए ये मूवी कैमिलियन को स्ट्रॉन्ग मोटिव दिया है, उसकी इंटरनल स्ट्रगल को दिखाया है, साथ ही वो ये सब क्यों चाहता है। ओवरऑल कैमिलियन की विलेन कैरेक्टर कुंफू पांडा 4 में नॉट ए फिजिकल ऑब्स्टिकल है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर्सनल ट्रेजेडी एंड इयररिंग्स के कारण एक सिग्निफिकेंट लेयर देता है इस मूवी पे, विच मीन्स वन ऑफ द की कैरेक्टर जो इस मूवी का वर्दी विलेन है। इस मूवी के ब्यूटी इसके कैरेक्टर एंड स्टोरी पे इसे नहीं रहता, फोटोग्राफ तक सुंदर ढंग से फैली है जो एक अट्रैक्टिव एक्सपीरियंस प्रदान करने में कामयाब होता है, विच मीन विजुअल सुपर्ब और जितने भी फाइट सीन है स्पेक्टेकुलर, स्पेशली आखिरी के पो वर्सेस शेपशिफ्टर की फाइट, उफ भाई आप भूल ही नहीं सकते हो। इट सीम्स लाइक बचपन जी रहे वो सीन फिर से देख के, जिसका क्रेडिट एनिमेशन एंड डायरेक्टर टीम को तो जाता ही है, जो परफेक्टली कंपोजिशन किया है हर सीन को, कलर प्लेट से लेके उनका एडिटिंग तक, जिससे इस शानदार ब्यूटी को देखने में एक अलग सा ही फील होती है। आखिरी में मैं सिर्फ यही कहूंगा, मूवी देखने के बाद आप भी निराश नहीं होंगे। मूवी अनफॉरगेटेबल जर्नी इमोशन फन वे में कब खत्म होती है आपको पता भी नहीं चलता। वो एंड जेन की फ्रेंडशिप आपको कैसी लगती है वो भी कमेंट में बताओ, एंड कुंफू पांडा फैंस लाइक मार दो, देन दुनिया तरी फूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड्स मेमोरी को सब्सक्राइब करो। मार्वल डीसी की अपडेट के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करो एंड ऑल हॉलीवुड मूवी सीरीज के अपडेट के लिए मेरे फेसबुक पेज को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक पे।